इस प्रकार केस फेटेलिटी रेट अब 1.52% रह गया है। आप जानते हैं कि टेस्टिंग की क्षमता को हम निरंतर बढ़ा रहे हैं और कल 24 घंटे में पुनः एक बार जो प्रदेश का उच्चतम है लेवल वो फिर से प्राप्त किया गया। कल प्रदेश में 24 घंटे में 1,48,147 सैंपल्स की जांच की गई और इस प्रकार अब तक प्रदेश में 53,50,704 सैंपल की जांच की जा चुकी है प्रतिदिन के टेस्ट में भी। और कुल टेस्ट में भी उत्तर प्रदेश देश में सबसे आगे है। पूल टेस्ट के अंतर्गत कल 5-5 सैंपल के 3,051 पूल लगाए गए जिनमें 267 में पॉजिटिविटी देखी गई और 10-10 सैंपल के 218 पूल लगाए गए जिनमें 23 में पॉजिटिविटी देखी गई। अब प्रदेशवासियों ने ई संजीवनी प्लेटफॉर्म का उपयोग अधिक संख्या में करना प्रारंभ कर दिया है। कल भी 1,902 लोगों ने अपने घर बैठे ई संजीवनी प्लेटफॉर्म के थ्रू चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त किया। आप जानते हैं कि संक्रमण के इस समय में जब हमें अनावश्यक घर से नहीं निकलना चाहिए तो वैसे समय में अगर कोई आपको छोटी मोटी तकलीफ हो रही हो और आप डॉक्टर की राय लेना चाहते हो, डॉक्टर को दिखवाना चाहते हो, तो आप घर बैठे ई संजीवनी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ई संजीवनी गूगल करिए, अगर आपके पास स्मार्टफोन है या इंटरनेट है, कंप्यूटर है, तो आप उसको ई संजीवनी लिख करके उसको आप गूगल करिए और उस प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगा, वेब लिंक मिल जाएगा। वहां जाकर के आप अपने फोन नंबर से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और उसके बाद बहुत ही सरल है ये, यूजर फ्रेंडली है। फिर आप उसके पश्चात वहां जाकर के डॉक्टर जो उपलब्ध होते हैं दूसरे सिरे पर, उनसे आप वीडियो कॉलिंग के माध्यम से परामर्श प्राप्त करते हैं। डॉक्टर आपको देखते हैं और देखने के बाद आपसे बातचीत करने के बाद आपको परामर्श देते हैं और आपको दवाओं का प्रेस्क्रिप्शन भी वो दे देते हैं। उस प्रेस्क्रिप्शन के आधार पर, उस पर्चे के आधार पर आप दवाइयां लेकर के अपना घर बैठे अपना इलाज करवा सकते हैं। तो अब तक प्रदेश में 49,685 लोगों ने इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके डॉक्टरों की राय ली है और आप भी घर बैठे इसका उपयोग करके इसका सदुपयोग कर सकते हैं, इससे आप डॉक्टरों से राय ले सकते हैं।